अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहां रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। शाम के हो चुके हैं 4:30 और आज है हस्बैंड का ऑफ ऑफिस से, तो सुबह नाश्ता करते ही हम जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने कारपेट जो है वो हटा दिया है। गर्मी बहुत है, आज टेम्परेचर 42 है, तो इसलिए हमने जो है ये कारपेट हटा दिया ताकि हॉल जो है वो थोड़ा ठंडा रहे। उसके अलावा हमने चेंज कर ली है बेडशीट। जरताशा और उमर जो हैं कर रहे हैं रेस्ट। जी वालेकुम अस्सलाम। सासा चल रहे हैं इनके कार्टून। 4 बज रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को चेंज लग रहा होगा हॉल। ये देखें, हम हर गर्मी में जो है कारपेट उठा देते हैं और जैसे ही सर्दी आने वाली होती हैं दिसंबर में, तो हम ये सेंटर कारपेट जो है वो दोबारा डाल देते हैं। मॉप लग चुका है, रह गया है हमारा किचन। थकावट बहुत हो रही थी और मैंने खाए हैं दाल चावल। चाय रख दी है मैंने शाम की, तो वीकेंड जो है वो हमारा इस तरह गुजर रहा है। तकरीबन आधा गुजर चुका है और आधा रहता है। साथ साथ उमर ने भी मांग ली है चाय कि मम्मा आज मैं भी चाय पीऊँगा। उमर को चाय का शौक है, जरताशा को नहीं है इतना, लेकिन उमर को है कि मम्मा मुझे चाय पीनी है लेकिन मीठी, विदाउट शुगर। जो मेरी वाली चाय है वो उमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, कहते मम्मा इसमें स्वीट नहीं है। तो बस चाय पी के फिर ये जो किचन है ये मैं करती हूँ डन। और कल मेरा टारगेट है, ओके ले ले, और कल मेरा टारगेट है इंशाल्लाह कि मैं जो अपने बैगेज लगेजेस हैं अनपैक करूं और कपड़े जो है वो अलमारी में रखूं, क्योंकि मैंने अभी सब के जो है बैग्स, खासकर कपड़ों के जो है वो एज इट इज रखे हुए हैं, तो उनको मुझे ओपन करना है और जगह पे रखना है। तो कल इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं ये करूँगी। देखते हैं कितना मैं अपनी सोच पे, काम पे जो है वो अमल कर पाती हूँ। जरूर राउंड एंड राउंड करें। कैसे आप चलाती हैं? फास्ट फास्ट जी। बाबा बन रही है चाय, मम्मा ने रखी है। जरताशा ने आज सुबह से ना कॉम भी नहीं किया, क्योंकि जैसे हम बस नाश्ता किया हमने तो हम लग गए हॉल को क्लीन करने में, और करते करते हमें तकरीबन 3 घंटे लग गए, क्योंकि सारे सोफे हटा के, सारी डीप क्लीनिंग की है, ये सारे मैट्रेस हटा के सब जगह से जो है पीछे से अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद सब चीज़ें हमने साइड पे दोबारा लगाई, ऑफिस सेंटर से हमने अच्छे से मॉप लगाया, तो इसलिए जो है वो हमें 3-3.5 घंटे हो गए। चाय में आ चुका है उबाल, अब इसमें हम डालते हैं दूध और पीते हैं शाम की चाय। जी तो अब टाइम हो चुका है लूलू जाने का। बच्चे जब से पाकिस्तान से आए हैं मिस कर रहे हैं कि मम्मा सुपरमार्केट चलें, तो अब हम जा रहे हैं फाइनली सुपरमार्केट। लिफ्ट आ चुकी है। ओ क्या हुआ आपकी आइस को उमर खान? कुछ नहीं है। दिखाएं? चलो कोई बात नहीं, लग जाती है। दिखाएं इधर। यस सर। हियर हियर। ओके। वहाँ पर सही हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। बाबा ब्रावो आप मेरे साथ हैं। आपके आप दोनों किसके फ्रेंड हैं? मामा और मामा। बाबा। जी तो लूलू जा रहे थे, बच्चे बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलें कर लूलू चलते हैं, वहाँ थोड़ी ग्रोसरी लेनी थी। तो बच्चे वहाँ खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं तो खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शाम हो चुकी थी, तकरीबन मगरिब से पहले का टाइम था, और यहाँ पर बच्चे जो हैं जब अपने बाबा के साथ जा रहे होते तो वो मम्मा को भूल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ने जो है उमर जरताशा ने अपने बाबा का हैंड पकड़ा हुआ है और मम्मा जो है पीछे वीडियो बना रही हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली थी ग्रॉसरी, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, और बैक टू स्कूल खुलने वाला है इंशाल्लाह कमिंग सून। उमर का भी, जरताशा का भी बैक टू स्कूल होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा।
और प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आने वाली वीडियोस जो हैं वो उमर और जरताशा की स्कूल के हवाले से अब दोबारा से आनी शुरू हो जाएंगी। तो समर वेकेशंस ऑफ होने वाला है। यहाँ पर जरताशा जो थी वो ट्रॉली में चढ़ चुकी थी और कहीं थी कि मुझे नींद आ रही है, तो उमर के बाबा चले गए थे घर पर ट्रॉली लेकर और मैं बच्चों को लेकर आ गई थी यहाँ आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो उमर के बाबा ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है तो बच्चों को आप आइसक्रीम खिला दें, थोड़ा ये लोग इन्जॉय भी कर लेंगे, गर्मी भी ज़्यादा है, तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाने के लिए मैं इनको यहाँ पे ले आई थी शवारमा। ये लें जरूर चले, कोई बात नहीं, आप अंदर से खाइए जरूर। आइसक्रीम खाकर और उमर जरताशा दोनों खुश हो चुके थे, गर्मी बहुत थी तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के हम लोगों ने एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं घर, तो यहाँ पे काफ़ी रौनक हो चुकी है। एक महीना हम लोग एब्सेंट थे तो उसमें ये देखें यहाँ पे एक स्वीट भी खुली है और एक रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है। काफ़ी देर से जो थी वो कंस्ट्रक्शन जारी थी, समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे गाड़ियों का शोरूम खुल रहा है क्या खुल रहा है, तो फाइनली यहाँ पे एक स्वीट शॉप खुली है और एक रेस्टोरेंट खुला है। तो बस घर वापस आ रहे थे, उसके बाद मैं घर गई तो मुझे कड़ी लीव्स जो थी वो सेव करनी थी, वो मैं आप आगे चल के आपके साथ अभी शेयर करूँगी मैंने किस तरह सेव किया कड़ी लीव्स को। तो मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया था और कॉटन के एक कपड़े में जो है उनको फैला के दो दिन तक उनको ड्राई कर लिया था। कड़ी लीव्स को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और दो से तीन दिन जो है वो उसको एक ही जगह पर जो है आप उसको सुखाने के लिए ड्राई करने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद जो है आप उसको माइक्रोवेव ओवन में जो है वो गर्म कर लीजिएगा, तो आपका कड़ी लीफ जो है तैयार है। देखें कैसे मैंने सेव किया है जी। तो ये कड़ी पत्ता जो है दो दिन हो गए इसे सूखते हुए और थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है। अब मैं इसको करती हूँ एक मिनट में गरम, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। एक से दो मिनट मैंने इसे घुमा लिया है, थोड़ी बहुत जो नमी थी वो इससे ख़त्म हो जाएगी। ओह बहुत ही गर्म प्लेट थी, सॉरी बहुत गर्म प्लेट थी जी। तो ये देखें ये तमाम जो हैं आपको सूखे पत्तों की तरह आवाज़ आ रही होगी इसमें से, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें देखें सूखे पत्ते की तरह ये बिल्कुल टूट रहा है। तो ये है हो चुका है रेडी, बस थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, अभी पत्ते थोड़े से गर्म हैं। तो फिर मैं इसको डाल दूँगी जार में, दो मिनट मैंने मैक्सिमम जो है इसको वो गर्म किया है और इतनी तेज़ खुशबू है इनकी माशाल्लाह से कड़ी पत्ते की, बहुत ही, एक तो मुझे फ्रेश भी मिल गए थे माशाल्लाह से और दूसरा ये है कि मैंने धो के ड्राई कर लिए दो दिन तक और फिर दो दिन के बाद मैंने दो मिनट के लिए इसको गर्म कर लिया है। डन, बस अब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो फिर एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें सूखे पत्तों की तरह ये देखें ऐसा, इसका सारी जो नमी थी वो इसकी ख़त्म हो चुकी है जी। तो कड़ी लीव्स रूम टेम्परेचर पे आ गए तो मैंने इनको जार में डाल दिया है। अब आप जिसमें भी कड़ी पत्ता डालना चाहें
घर में मौजूद होगा और आप आराम से डालेंगे। देखिए अभी तक ग्रीन ग्रीन है माशाल्लाह से, ये अच्छा है कि अभी तक ये ब्लैक नहीं हुआ, वरना ड्राई करने के बाद जो है ये ब्लैक हो जाता है, लेकिन अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह ये ग्रीन है। और देखें क्रिस्पी क्रिस्पी, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो कड़ी पत्ता हो चुका है सेव, दाल में डालें, कड़ी पकौड़ा में डालें, इट्स सेव। ये 5 से 6 महीने आराम से आपका चल जाएगा। गुड जॉब। ये थी मेरी आज की वीडियो व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।